अंजू का प्यार परवान चढ़ा तो वो भारत से भागकर पाकिस्तान चली गई। फिर धर्म में बदला और प्रेमी नसरुल्ला से निकाह कर अपने प्यार को एक नाम दिया। फिर करीब 4 महीने के बाद फातिमा बनकर वापस लौट आई। जब से अंजू की भारत वापसी हुई है तब से अंजू नसरुल्ला के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वो पाकिस्तान जाएंगी या फिर भारत में ही रहेंगी। इन्हीं अटकलों के बीच इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। वो ट्विस्ट अंजू के शौहर नसरुल्ला से जुड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो अंजू उर्फ फातिमा को लेने के लिए नसरुल्ला भारत आ सकता है। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। नसरुल्ला ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान भारत आने के सवाल पर कहा, मैं जरूरी तैयारी कर रहा हूं। इसके साथ ही नसरुल्ला से जब पूछा गया कि अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आती है तो क्या वो उन्हें अपनाएंगे, इस पर नसरुल्ला ने कहा कि वो 200% अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नसरुल्ला को भारत आने का वीजा मिल जाता है तो यहाँ उसके साथ क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद उसके पहले पति अरविंद ने अंजू और उसके नसरुल्ला के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब ऐसे में अगर नसरुल्ला भारत आता है तो जिस थाने में ये शिकायत दर्ज है वहाँ की पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। नसरुल्ला के पाकिस्तान से भारत आने की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन अंजू के बारे में कहा जा रहा है कि भारत आने पर उसको थाने के चक्कर जरूर लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की पूछताछ का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस कहानी में और कितने ट्विस्ट आते हैं सबकी निगाह इसी पर टिकी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।